हाँ, समझते हैं कि हमें ऑर्डर डालते वक्त एप्लीकेशन के थ्रू किन चीजों का ख्याल रखना है। अब मेरे को इस महीने अगस्त में चाहिए नया लोशन, इसका कोड है 43907। मैंने इसको ऐड किया। फिर मेरे को चाहिए जो ड्रीम डील में 999 की फेशियल किट आई है, वो मैंने उसका कोड डाला 42050। मैंने ऐड किया, दादा जी ये तो 1360 की है जबकि किताब में 999 है। क्यों है? क्योंकि ये ड्रीम डील है और ड्रीम डील की पहली कंडीशन क्या है, 650 का सामान। तो मैं इसको बढ़ा देती हूँ, 650 होते ही इसका प्राइस कम हो गया, 800 हो गया। एक इस चीज का ख्याल रखना है, 650 होने पर ही ड्रीम डील मिलेगी। दूसरा, हमारे पास दो लॉट में किताबों के, मुझे किताब चाहिए। अगर मेरे को बांटनी है तो मैं 130 की उठाती हूँ, अगर मैं बांट नहीं सकती हूँ तो मैंने उसको बस बिन पे डाल के क्लियर कर दिया बिन। अब दूसरी चीज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा यहाँ पर पेमेंट 664 आ रही है, BP 25 है, और जबकि मैंने सामान कितने का लिया, मैंने सामान तो 800 और 1300 का लिया। क्यों? क्योंकि मैं इस एरो को चेक करती हूँ तो मेरे को पता चला मेरे 753 रुपीज तो मेरे अकाउंट में ही पड़े थे, ठीक है, और मेरा पहले का BP 25 हो चुका। अब मैंने इसको कंटिन्यू करा, अब यहाँ पे मुझे मेरा सेट दिख गया, मेरा 25 BP हो चुका है और 664 बट उसकी पेमेंट आ रही है मेरे कैशबैक को मिला के। अब मैंने यहाँ पे मेरे को दो चीज दिख रही है, मैंने इसमें से मेरे को पिछले महीने के 100 BP करके डोंगे उठाने हैं। मैंने इसको ऐड किया, फिर ऐड टू बैक किया, अगर मैं ऐड टू बैक नहीं करूंगी तो वो नहीं आएगा। फिर मेरे को टेंडर केयर इस पर फ्री मिल रही है, मैंने टेंडर केयर भी उठा ली, ऐड टू बैक करा। इसके बाद ये वेब ऑफर है, मैं चाहूंगा इसमें से कुछ ले लूं, नहीं तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। बट यहाँ पे मैं चेक करूँ तो मेरा ऑर्डर 1715 का हो गया है, यानी 1500 से ऊपर फ्री हो गया। मैंने इसको फिर कंटिन्यू करा और मेरे को एड्रेस पे कहाँ मंगाना है, सपोज मुझे इसको अपने पास कहीं फ्रेंड को भेजना है तो मैंने उसके पास का एड्रेस डाला और फिर इसको कंटिन्यू कर दिया। अब पेमेंट के मेरे पास क्या मोड है, पेमेंट करने के लिए मैं वापस जाती हूँ, मैंने ये एड्रेस चूज किया तो इसके नीचे ऑप्शन है एक्सप्रेस डिलीवरी 100 रुपए यानी कल ही पहुंच जाएगा, प्रीपेड 0 और अगर मैं COD मंगाऊंगी तो 30, तो मेरे 30 रुपए जुड़ जाएंगे। मैं COD करती हूँ तो नीचे पैसे बढ़ गए, एक्सप्रेस डिलीवरी था तो 100 रुपए थे, 1062। अब मैंने उसको COD पे ले आई 992, मैं COD भी हटा देती हूँ, प्रीपेड कर देती हूँ 962। मैं क्यों पेमेंट एडवांस करूँ, COD करूँ 30 रुपए दो, मैंने ये 30 रुपए हटवार के प्रीपेड कर दिया, मुझे ही देने हैं। फिर यहाँ पे मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, मैं पेमेंट कैसे करूँ, मैंने पेटीएम पे करा, पेटीएम पे करके मैंने कंटिन्यू करा। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट देख लिए, हाँ मेरे को सब मिल रहा है, गिफ्ट देख ली, डोंगे भी आ रहे हैं, गिफ्ट देख ली, टेंडर केयर भी आ रहा है, वेरी गुड, एड्रेस ठीक है, पेटीएम से पेमेंट करनी है, ये प्रोडक्ट है, गिफ्ट है, उसके साथ मेरी टेंडर केयर भी है, टोटल है, प्री पे मेरा जो कैशबैक था वो हो गया। अब मैं इसको पे कर दूंगी, बस इसी तरह से मुझे ऑर्डर डालना है, बस यही।